वेलकम टू जीके क्विज बकर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जून 2019 के करंट अफेयर्स। दोस्तों ये महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे और डेली हमारे कर साथ जुड़े हैं सुबह करंट अफेयर्स के साथ में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शाम को हमारी 6 PM पर हमारी जो रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड एक क्लास जरूर होगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, अच्छी लगे दोस्तों ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस देश ने कैबिनेट आकार को हटा दिया है और कैबिनेट में 50% महिलाओं को नियुक्त किया? दोस्तों वो है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का आकार कम करते हुए कैबिनेट में 50% महिलाओं को नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोस्तों हैं सिरिल रामफोसा ने कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 36 से घटाकर कितनी कर दी है, 28 कर दी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इससे देश की जो ब्लॉटेड सरकार से निपटने और दक्षता में सुधार होगी। शामिल हुए गए जो नए मंत्री हैं में उसमें आधी महिलाएं हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका दुनिया की कुछ लिंग संतुलित सरकारों में से एक हो गई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 साल से अधिक के करियर के साथ नौसेना स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? दोस्तों उनका नाम है एडमिरल करणबीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एडमिरल जो करणबीर सिंह हैं उन्होंने 37 वर्ष से अधिक के करियर के साथ नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। करणबीर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमांडर के रूप में पिछले वर्ष विशाखापट्टनम जाने से पहले नई दिल्ली में मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार युवा शोधकर्ताओं की PMSTAIC नामक एक टीम को एक साथ ला रहे हैं। PMSI जो TIAC इसमें आई क्या दर्शाता दोस्तों, ये आपसे पूछा है। दोस्तों आई जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा इनोवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह आप याद देखिएगा, इनोवेशन इसमें दर्शाता है। प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार में युवा शोधकर्ताओं की टीम को शामिल करने की घोषणा की है, जो नए विचारों के लिए साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे और देश के वैज्ञानिक मिशनों को लागू करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद यानी कि PMSTAIAC, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद में वरिष्ठ शोधकर्ताओं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसमें जो वरिष्ठ शोधकर्ता हैं, वरिष्ठ जो शोधकर्ता हैं और उसके जो शोधकर्ता हैं और सरकारी अधिकारी हैं उसके सहित 21 सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिए 21 सदस्य जो विभिन्न अभियानों को विकसित करने व कार्यान्वित करने में मदद करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम चतुर्भुज बैठक में भारत, अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चौथी बार मिलने के लिए तैयार हैं, जो कहां पर होने वाली दोस्तों वो होगी बैंकॉक में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नवीनतम चतुर्भुज बैठक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया चौथी बार, फोर्थ टाइम मिलने के लिए तैयार हैं, जो बैंकॉक में होने वाली है। भारत ने कहा है कि चतुर्भुज बैठक एक सैन्य प्रक्रिया है, न कि एक सैन्य गठबंधन। पिछली बैठक के दौरान चर्चा भारत प्रशांत पर केंद्रित थी, इसका मतलब जहाज़ों के लिए मुफ्त मार्ग एवं जो एक स्वतंत्र खुला भारत प्रशांत उपलब्ध कराना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड टोबैको डे है वो कब मनाया जाता है, ये पूछा है आपसे, तो इसको ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कल ही मनाया गया ये। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जाना जाता है 2019, और इसका उद्देश्य दोस्तों तंबाकू एवं फेफड़े का स्वास्थ्य रखना है, ठीक है, स्वस्थ रखना है। इस अभियान से लोगों के फेफड़ों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। कैंसर से लेकर पुरानी सांस की बीमारी तक सभी लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए फेफड़े बुनियादी भूमिका निभाते हैं। यह अभियान तंबाकू की खपत को कम करने हेतु एक प्रभावी नीतियों की वकालत करने के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश से लंबी दूरी की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद रहा है? दोस्तों वो खरीद रहा है रशिया से। ऑप्शन नंबर ए रूस सही हो जाएगा इसका आंसर। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रूस से लंबी दूरी की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले से रक्षा संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस घातक मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए 2014
2014 में रूस के साथ सरकार से सरकार के बीच सौदा करने वाला चीन पहला विदेशी खरीदार था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई एनडीए सरकार की पहली बड़ी खरीद के लिए कितने हल्के नौसैनिक उपयोगिता हेलीकॉप्टर NUH खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों तो वो खरीदे जा रहे हैं 111। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये कितने करोड़ की लागत से खरीदे जा रहे हैं, 21738 करोड़ रुपए की खरीद नई सरकार की पहली खरीद है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहली बड़ी खरीद है। कम से कम 3 अंतर्राष्ट्रीय मूल उपकरण निर्माताओं ने रणनीतिक हेलीकॉप्टर के रूप में नामित भारतीय उद्योग के माध्यम से अपने हेलीकॉप्टर के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप ने घोषणा की कि वह 10 जून 2019 से प्रभावी सभी मैक्सिकन आयातों पर कितने % टैरिफ लगाएगा। तो 100 लगाएगा, 5% टैरिफ लगाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वह देश पर अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे मध्य अफ्रीकी प्रवासियों की संख्या में वृद्धि को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी मैक्सिकन आयातों पर 5% टैरिफ लगा रहे हैं, जो 10 जून से प्रभावी होगा। ट्रंप ने अल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटमाला जैसे देशों में मध्य अफ्रीकी प्रवासियों को प्रभाव को रोकने के लिए मैक्सिकन सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम श्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। तो बोलिए दोस्तों, किर्गिज गणराज्य के ने भाग लिया। ठीक है, किर्गिज गणराज्य के जो हमारे गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं H.E. सुनरबो शारिपोविच जीनबेकोव, ये इनका नाम है, ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। किर्गिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है तथा मध्य एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति जीनबेकोव ने SSCO शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान का दौरा करने और 13 से 15 जून 2019 के दौरान द्विपक्षीय यात्रा हेतु उनके आमंत्रण को दोहराया। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।